नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं छात्र जदयू के नेता आशीष जी। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले जानते हैं कि लगातार एक कॉलेज में बने रहते हैं, कॉलेज में क्या क्या चल रहा है। एसयू कॉलेज, देखिए सबसे पहले पब्लिक ऐप के दर्शक को मेरे तरफ से वंदन और अभिनंदन। जहाँ तक बात रही कॉलेज में, अभी देखिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा फर्स्ट और सेकेंड मेरी लीड निकाल दिया गया था, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में हो रहा था। कल पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा थर्ड मेरिट लिस्ट निकाला गया है। अब बच्चे आएंगे, ऑनलाइन करेंगे साइबर कैफे में, उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट जमा होगा। और कल ही बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट का सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया है, और बच्चे एडमिशन ऑनलाइन साइबर कैफे में करेंगे, उसके बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। बस यही चल रहा है अभी। अच्छा, चलिए, आप लगातार बने रहते हैं छात्र जदयू हो या जदयू के भी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। फिलहाल स्थानीय विधायक जो हैं, जदयू के विधायक हैं, जुड़े हुए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए माननीय विधायक जी, एक सितंबर को जब मेरे पास खबर आया कि माननीय विधायक जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा क्या कहें, दुख भी हुआ कि हमारे विधायक जी का कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना हो गया है। लेकिन अभी हमारे माननीय विधायक जी क्वारंटाइन घर में ही हैं, और डॉक्टर के सलाह से दवा हुआ चल रहा है, अभी स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हमारे माननीय विधायक जी बहुत जल्द ठीक होकर फिर अपने क्षेत्रवासियों के बीच रहेंगे और सभी का मिलजुल कर काम करते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल अभी पूरे हिलसा शहर के अंदर चौक चौराहे पर, चाहे चाय की दुकानों, कई जगह चुस्कियां लेने के साथ राजनीति पर चर्चा चल रही है कि आगामी जो हिलसा नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, जगह जगह पर लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? देखिए मेरा प्रतिक्रिया तो साफ ही है, चुनाव आया है, माहौल बनेगा, ये तो स्वाभाविक बात है कि चुनाव में लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण और विश्वास है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग संघर्ष की लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, और हमारे बड़े भैया धनंजय कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको तन मन से सहयोग कर रहा हूं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है और भरोसा है कि हमारे भैया हिलसा नगर परिषद का मेयर बनेंगे, ये पूर्ण विश्वास और आशा है हिलसा नगर परिषद की जनता से कि उन आदि हमारे भैया धनंजय कुमार जी को अध्यक्ष के रूप में देखेंगे। चुनाव काफी कह रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें, अब शहर का देखने को मिल रहा है, कितना फर्क रहता है? देखिए ग्रामीण परिवेश में थोड़ा दूसरा रहता है, रहता तो यही है, लेकिन इसमें देखिए ग्रामीण परिवेश में जब इलेक्शन हुआ पंचायत चुनाव में तो बैलेट से हुआ, लेकिन नगर परिषद में चुनाव नहीं, देखिए पंचायत चुनाव में ईवीएम से हुआ चुनाव और नगर परिषद में बैलेट से होगा, तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा। उसमें था कि बटन टिपना, इस बार मुहर मारना, तो तरह तरह के अभी तो हिलसे में है, देखते हैं चौक चौराहा पर, चाय की दुकान पे, सब अपना अपना जगह जगह पर पोस्टल बैनर लोग प्रत्याशी लोग लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रहा है। हाँ बहुत सारे चर्चा है, देखिए वो सब मायने नहीं रखता है, क्या है ना हकीकत, काम करने वाले को जनता वोट करती है, विश्वास करती है, तरह तरह के तो चुनावी मेढक की तरह लोग आते हैं, ये देखना है जनता को कि कौन हमको सेवा करेगा, कौन आकर हमारे साथ मिलकर एक साथ चलने वाला है। ये नहीं कि चुनावी मेढक की तरह यार ये काम करवा दिया कल ही काम, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल से अपील करता हूँ कि एक स्वच्छ छवि वाले नेता को ही अपना मेयर बनाए हिलसा नगर परिषद का।